राकेश, इतने दिन हम इस गांव में खुशी से रह चुके। काश हमें इस नए गांव को जाने की जरूरत नहीं होती। काश तुम्हारा नौकरी वहां नहीं लगा होता। पापा, कम से कम हम सब तो साथ में ही रह रहे हैं ना, खुश रहेंगे। आप ज्यादा सोचो मत। वहां बैठी औरत कौन है? अकेली क्यों बैठी है और कहां जा रही होगी? मुझे एक बार उसके पास जाकर पूछना होगा। और ऐसे वो उस औरत के बारे में सोचती रहती है। माँ, हमारी बातें सुने बिना आप क्या सोच रहे हो? हाँ वो कुछ नहीं बेटा, बस यही सोच रही हूँ कि वहां बैठी अकेली औरत कहां जा रही है। एक बार मैं उसके पास जाके आती हूँ। तब शकुंतला उस अकेली औरत के पास जाके उसके बगल में बैठ जाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अकेली और बिना कोई डर के यहाँ से कहाँ जा रही हो? ये पूछने के बावजूद वो औरत कोई जवाब दिए बिना बस चुपचाप बैठी रहती है। मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, कुछ कहे बिना ऐसे बैठी हो, क्या तुम बोल नहीं सकती हो? ऐसे शकुंतला उसे पूछते हुए उस औरत पे हाथ डालती है। शकुंतला के छूने के तुरंत बाद वो औरत एक भयानक भूत में बदल जाती है और ये देख शकुंतला दंग रह जाती है। मेरा नाम मीनाक्षी है, मुझे देखते ही सभी डर जाते हैं और तुम पूछ रही हो कि मुझे डर लग रहा है? ऐसे देखते देखते ही वो भूत वहां से गायब हो जाती है। हाँ, इतनी देर में एक भयानक भूत से बात कर रही थी, मुझे तुरंत ये सबको बताना होगा। ऐसे डरते हुए इधर उधर देखते हुए वो उसके बेटे और बहू के पास जाती है। राकेश को उसकी माँ बैठे बिना इधर उधर देखते हुए डरते हुए दिखने के कारण वो पूछता है, माँ क्या हुआ तुम्हें, ऐसे डरते हुए इधर उधर क्यों देख रही हो? राकेश, वहाँ जो औरत है वो मनुष्य नहीं है। ऐसे जब वो उनको जो कुछ भी हुआ समझाने की कोशिश कर रही थी तो अचानक उनके ऊपर के मेज पे उस भूत को बैठे हुए देख वो दंग रह जाती है। हाय भगवान, भूत भूत! ऐसे उसकी आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाती है, हाँ भूत, कहाँ कहाँ माँ? ऐसे सभी डरते हुए उस स्थान से हिल के इधर उधर जाके देखते रहते हैं। माँ कहाँ है भूत? ये पूछते हुए जब वो उसके माँ के पास जाता है तो उस भूत को ठीक उनके पीछे देख वो चौंक जाता है। माँ इधर आओ, वो भूत तुम्हारे पीछे है। और तुरंत वो डरते हुए उसके बेटे के पास भागती है। देखते देखते ही उस भूत को उनके आंखों के सामने गायब होते हुए देख वो सब हैरान हो जाते हैं। माँ मुझे इस भूत को देख बहुत डर लग रहा है, न जाने वो अब कहाँ है। हाँ राकेश, हमारे साथ भोगी में जो औरत बैठी थी वो ही ये भूत है, हमने सोचा कि वो मनुष्य है। सासू माँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम उसके हाथों मर न जाए, काश हम इस भोगी में नहीं चढ़े होते। बहू तुम डरो मत, तुम्हारे साथ हम सब यही है ना, इस भूत से बचने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे। और ऐसे सभी सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, अगर हम इस भोगी से दूसरे भोगी चले जाए तो वो भूत हमारे पीछे नहीं आ सकती ना, इसलिए हम चारों को इस भोगी के या तो इस तरफ या उस तरफ जाना होगा। अब इस भूत से बचने का यही एक तरकीब है। तब चारों मिलकर कांपते हुए डरते हुए दूसरे भोगी जाने की कोशिश करते हैं और तब अचानक वो भूत उनके सामने प्रकट होती है। भूत को देख वो दूसरे दिशा की ओर भागने लगते हैं और तब वो भूत दो में बदलकर उनके सामने प्रकट होती है। जब वो देखते हैं कि दोनों दिशाओं में एक प्रकार के दो भूत हैं, तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं। तब वो भूत राकेश और चंद्रैया की गला को जोर से पकड़ लेती है। कौन हो तुम, क्यों हमारा गला जोर से पकड़ रही हो? कृपया हमें कुछ मत करो, हमें छोड़ दो, पति और बेटे को छोड़ो, छोड़ो उन्हें। सबकी बातें सुनकर वो भूत उन दोनों का गला और जोर से पकड़ने लगती है। बहुत कोशिश करने के बाद
वो दोनों उस भूत की पकड़ से छुटकारा पाते हैं। उस भूत को जोर का धक्का देते हैं, उस कारण वो भूत नीचे गिर जाती है। राकेश, उस भूत के उठने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना होगा, चलो। हाँ पापा, चलो चलो, सब चलो यहाँ से। ऐसे जब वो भागते हुए दूसरे बोगी में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो वहां की दरवाजा को बंद देख वो सब निराश होते हैं। इतने में वो भूत उठ के उन सबको दरवाजे के पास खड़े रहना देखती है। तुमने सोचा कि तुम लोग मुझसे बच पाओगे? तुम लोग इस भोगी से कहीं नहीं जा पाओगे। ये कह के वो भूत उनके पास जाने लगती है। उस भूत को उनके पास आते देख वो बहुत डर जाते हैं। कोई है? सुनिए, हमें बचाइए, इस भयानक भूत से हमें बचाइए, दरवाजा खोलिए। वो उस दरवाजे को खड़खड़ाने की कोशिश करते हैं और खोलने की लाख कोशिशें करते हैं। इतने में वो भूत उनके पास आते रहती है। अचानक वो दरवाजा खुल जाता है। तुरंत वो सब उस भोगी में घुस के उस दरवाजा को बंद कर देते हैं, ताकि वो भूत उसके अंदर ना आए। शाम को जब ट्रेन रुक जाती है, तो वो सब ट्रेन से उतर जाते हैं। तब चंद्रैया कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही समय में दरवाजा खुल गया, वरना न जाने क्या ही होता हमारा। हाँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ऐसे उस भूत से छुटकारा पाने के कारण वो सब खुशी खुशी से उस गांव में चले जाते हैं।